गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके पहले हमने अपने रिवीजन लेक्चर वन में हमारा पढ़ा था ओरिजिन मुस्लिम लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इसके बाद पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जब हम बात करते हैं हमारे स्कूल्स की, तो हमारे यहाँ जो शिया और सुन्नी एक सेक्ट है, एक शिया सेक्ट है, एक सुन्नी सेक्ट है। हाँ, तो जब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ सुन्नी, मतलब सुन्नी या शिया, तो हम लोग पढ़ते हैं हनफी के बारे में, मलिकी के बारे में। शैफी स्कूल होता है, हनबली होता है, लाहारी होता है, मजहब होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर क्लास, बट आज क्योंकि हमारा एक रिविजन लेक्चर है तो आज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हनफी स्कूल। ये स्कूल जो है, इट वॉज फाउंडेड बाय अबू हनीफा अनुमान। अबू हनीफा अनुमान थे, उनके द्वारा ये हनीफी स्कूल जो है फाउंड किया गया था। इन द लेवांट, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वेस्टर्न लोअर इजिप्ट, इराक, तुर्की, बलकान्स एंड बाय मोस्ट ऑफ द रशियन मुस्लिम कम्युनिटी। रशिया की जो बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी थी, उसके अलावा जो मैंने जगह बताई है, लेवांट है, सेंट्रल एशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इजिप्ट है, इराक है, तुर्की है, बलकान्स है, तो यहाँ पर ये फॉलो किया जाता है ये वाला स्कूल या इसकी विचारधारा। और देर आर मूवमेंट्स विद इन सच स्कूल, सच एज बेरलविस, देवबंदी एंड तबलीगी जमात। ये भी सारे कॉन्सेंट्रेटेड हैं साउथ एशिया में एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बहुत सी इंडिया के पार्ट्स में भी। ठीक है, फिर आता है हमारा मलिकी स्कूल। ये जो फाउंड किया गया था मलिक इब्न अनस ने किया था। इट वॉज फॉलोड बाय मुस्लिम्स इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में ये मुस्लिम्स के द्वारा फॉलो किया जाता था, वेस्ट अफ्रीका में, यूनाइटेड अरब एमिरात्स में, कुवैत में, और सऊदी अरबिया के भी कुछ पार्ट्स में जो कि अपर इजिप्ट की तरफ होते थे। ठीक है, तो जो ये मुराबितुन वर्ल्ड है मूवमेंट फॉलोज दिस स्कूल एज वेल। ये फिर आता है हमारा शैफी स्कूल। ये मोहम्मद इब्न इद्रिस अश शैफी ने फॉलो किया था, इसको फाउंड किया था। और जो मुस्लिम जो थे ईस्टर्न लोअर इजिप्ट के, सोमालिया के, जॉर्डन के, पैलेस्टाइन के, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, यमन, है ना, केरला, मपिलास, कुर्दिस्तान, और ऑफिशियली जो मलेशिया और ब्रुनाई में भी ये फॉलो किया जाता है शैफी स्कूल। ठीक है, हनबली स्कूल बेसिकली जो था ये फाउंड किया गया था अहमद इब्न हनबल के द्वारा। इट वॉज फॉलोड बाई मुस्लिम्स इन कतार, मोस्ट ऑफ द सऊदी अरबिया एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन सीरिया एंड इराक। द मेजॉरिटी ऑफ सलाफिस्ट मूवमेंट्स क्लेम्स टू फॉलो दिस स्कूल। एक ये लाहारी स्कूल है, ये दाऊद अजहरी ने फॉलो किया था, फाउंड किया था। इट वॉज फॉलोड बाई द माइनॉरिटी कम्युनिटी in Morocco and Pakistan, and in the past it was also followed by the majority of Muslims in Mesopotamia, Portugal, the Balearic Islands, North Africa and parts of Spain. ठीक है, मदहब है। मदहब थोड़ा हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो है मदहब एक इस्लामिक टर्म है जो रेफर करती है स्कूल ऑफ थाट और रिलीजियस स्टूडेंट्स विद सुन्नी इस्लाम, जो सुन्नी इस्लाम के साथ डील करती है ना। तो सेवरल ऑफ दी सहाबा हैड अ यूनिक स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, बट दीज स्कूल्स वर ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड एंड डिस्कार्डेड एंड देयर आर करंटली 4 रिकॉग्नाइज स्कूल्स ही हैं हमारे। तो इसको मतलब इतना रिकॉग्नाइज कैटेगरी में नहीं लिया गया है। तो जो डिफरेंसेस थे इस इन स्कूल्स के बीच में, वो मैनिफेस्टेशन का डिफरेंस था कि प्रैक्टिकल और फिलोसफिकल डिफरेंसेज होने चाहिए थे। मतलब सुन्नी जो है जनरली आइडेंटिफाई नहीं करते थे अपने आप को एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के साथ, बस वो अपने आप को चाहते थे कि उनको सिर्फ सुन्नी बोला जाए, है ना। बट द पॉपुलेशन जो है सर्टेन रिलीजन्स में, वो इंटेंशनली हो चाहे अन इंटेंशनली, वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को फॉलो करते ही थे। एक अथारी स्कूल, इनके बारे में मैं आपको इनका एक वो बता चुकी हूँ। मतलब ये तो जो हमारा जो भी स्टार्टिंग के जो थे हमारे इससे पहले वाले स्कूल, ये तो हमने स्कूल ऑफ सुन्नी ज्यूरिसप्रूडेंस के अकॉर्डिंग पढ़े, लेकिन जो अभी टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो हमारे इसमें कौन कौन से आते हैं। अथारी आता है, कलाम आता है, अशरी, मातुरिदी, मुरीजिया, मोटजिला, मुतजिला या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। तो मैंने बेसिकली इनके बारे में आपको वैसे बताया था, लेकिन ये आज हम शॉर्ट थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा इन शॉर्ट छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं।
तो अथारी स्कूल जो था इसका नाम अरेबिक वर्ड अथर से आया, जिसका मीन्स होता है नरेशन, है ना। तो ये क्रीड जो थी बेसिकली अवॉइड करती थी डेल्विंग इनटू एक्सटेंसिव थियोलॉजिकल स्पेकुलेशंस, है ना। दे यूज कुरान सुन्ना एंड सेइंग्स ऑफ सहाबा, कुरान में जो सुन्ना में जो चीज़ें होती थी उसी को फॉलो करते थे। जैसे मैंने बताया भी था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्हीं के जो कंडक्ट हुआ करता था, जो जो भी वो करते थे उसी को ये लोग फॉलो करते थे। एंड वेयर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह आर एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चनिंग, और जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स थे कि मतलब उनको ऐसा नहीं था कि कोई भगवान ने ऐसा क्यों किया, बस उनको फॉलो करने से मतलब होता था, ठीक है। तो अहमद बिन हनबल जो थे वो इस स्कूल के लीडर कहलाते थे। ये सेंट्रल एस्पेक्ट जो था इस थियोलॉजिकल का वो था तौहीद की डेफिनेशन डिफाइन करना, मीन्स लिटरल यूनिफिकेशन होना चाहिए एंड असर्टिंग द वननेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारी कलाम, है ना। कलाम जो है बेसिकली एक इस्लामिक फिलोसफी है जिसमें हम लोग सीख करते हैं या फाइंड करते हैं थियोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है। अरेबिक वर्ड में इसका मतलब होता है स्पीच या वर्ड्स, है ना। स्कॉलर ऑफ कलाम इज रेफर टू अमुताकल्लिम, है ना। ये आपने वर्ड टर्म सुना भी होगा। बहुत से स्कूल हैं कलाम के भी, मेन वंस इज अशारी एंड मातुरिदी, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग से डिफरेंस है। अब आती है अशारी की बारी। अशारी जो है बेसिकली एक स्कूल है अर्ली इस्लामिक फिलोसफी का, जो 10th सेंचुरी में पाया गया था किसके द्वारा, अबू अल हसन अल अशरी। ये एक इंस्ट्रूमेंटल माना गया है कि क्योंकि इसमें इनके इसके द्वारा एक ड्रास्टिक चेंज आया इन द डायरेक्शन ऑफ इस्लाम, है ना। जिन्होंने एक ग्राउंड वर्क लेट डाउन किया या एक फॉर्म किया टू शट द डोर ऑफ इस जिहाद, है ना। तो ये बेसिकली जो थे ये इस व्यू के थे कि जो यूनिक नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है गॉड का वो ह्यूमन कैपेबिलिटी से भी परे है, ठीक है। तो ये आता है फिर क्या कहते हैं मोजिला इसको बोलते हो दूसरा, या मुताजिली जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, वैसे इसको मोजिला भी बोलते हैं। तो ये थ्योरी जो थी ओरिजिनेट हुई 8th सेंचुरी में अल बसरा में, जब वसील इब्न अता ने अपनी टीचिंग लेसन्स जो थे एक थियोसोफिकल डिस्प्यूट के बाद छोड़ दिए थे। वो और उसके फॉलोअर्स जो थे वो इस लॉजिक पर या इस थॉट पर एक्सपेंड करते थे कि रेशनलिज्म और ग्रीक फिलोसफी सीकिंग टू कंबाइन देम विद इस्लामिक डॉक्ट्राइन, मतलब जो भी फिलोसफी है या कोई भी लॉजिक है रेशनलिज्म है उनको इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स के साथ कंबाइन किया जाए, है ना, और कंपैटिबिलिटी उनकी शो हो, ठीक है। तो ये हमारा था आज के लिए, स्कूल्स का भी मैंने इसके बारे में आपको वैसे मैंने छोटा छोटा बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगी कि जो कौन से स्कूल्स किस बात पे ज़्यादा फोकस करते थे। अभी तो हमने इनकी सिर्फ ये पढ़ाई की है किस किस एरिया में थे किस किस एरिया में नहीं थे, कौन इनका फाउंडर था बेसिकली, इनका एक दो में हमने इनके लॉजिक पढ़े हैं कि कौन किसने किस कॉन्सेप्ट से इस स्कूल को आगे बढ़ावा दिया। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मतलब क्या एक जैसे अशरी स्कूल है तो ये बेसिकली किस पे फोकस करता था, या जो अथरी स्कूल है वो किस पे बेसिकली फोकस करता था, ठीक है। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, थैंक्स।